Assalamu alaikum. Now we have to learn preposition number 24. Last time we have learned preposition number 23, 22, across and beyond. Yes, ki us janib, ki us par. Now we are going to learn how should use about in this sentence. About has lot of means, lot of users be confused. How should use about in the sentence? Confused. Shouldn't be confused. Hence made this video for using easily. Okay. Lot of means of the about. देखो हम देखते हैं कि about का माना क्या है. बहुत सारे means है about के. About को कैसे use करेंगे? Confused हो जाते हैं कई लोग. कन्फ्यूज कैसे कैसे यूज़ करेंगे, कब 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 कैसे कैसे यूज़ करेंगे. देखो अबाउट का माना है मुतालिक, उन्वान, तकरीबन, अंदाजन, के बारे में, इधर उधर. हाउ शुड यूज सो मैनी मीन्स इन द सेंटेंस. वी हैव रिटन एट द बोर्ड, बोर्ड पर लिखे हुए. लिसन एंड स्टडी एंड यूज, स्टडी एंड यूज. सुनो और स्टडी करो, पढ़ाई करो और यूज़ करो. ओके, first we shall be see how should use mutaliq. Here is written, yahan likha hua hai, I want to say about notorious man. Main chahta hu kehna mutaliq badnaam aadmi ke. Iska maana kya? Main badnaam aadmi ke mutaliq kehna chahta hu. मैं बदनाम आदमी के मुतालिक कहना चाहता हूँ. अब उन्वान कैसे यूज करेंगे? उन्वान, आई एम टॉकिंग एट हिस्टोरी. मैं हिस्टोरी मीन्स तारीख. मैं तारीख के उन्वान पर बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ. मैं तारीख के उन्वान पर के लिए ऐट यूज़ करेंगे, पर के लिए ऐट. मैं तारीख के उन्वान पर बात कर रहा हूँ. अब तकरीबन कैसे यूज़ करेंगे? इट इज़ अबाउट 2 o'clock. क्लॉक मीन्स बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे. बजे कहना हो तो क्लॉक कहना पड़ेगा. ओके, मैं तकरीबन इट इज़ अबाउट 2 o'clock. तकरीबन अभी 2 बज रहे हैं. अभी के लिए वक्त दिखाने के लिए, वक्त को अभी कहने के लिए, या तो सीज़न मीन्स जैसे धूप काला, सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम, मौसम को भी अभी कहने के लिए इंग्लिश में इट यूज़ किया जाता है. जैसे अभी धुपकाला है, इट इज़ अ समर. अभी ठंडी का मौसम है, सर्दी का मौसम है, इट इज़ अ समर सीजन, इट इज़ अ विंटर सीजन. अभी बारिश का मौसम है, इट इज़ अ रेनी सीजन. ओके, अभी कहने के लिए, मौसम को अभी कहने के लिए, वक्त को अभी दिखाने के लिए, अभी कहने के लिए नाउ यूज़ नहीं करेंगे, इट यूज़ करेंगे. हम नहीं कहते, ये ग्रामर कहता है. ये सारी स्टडी की हुई है, ये स्टडी आपको पढ़ा रही है. ओके, हमने कई बुक्स में पढ़ा हुआ है, ये आपको दिखा रहे हैं. जैसे ये ग्रामर कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं. जैसे अभी 8 बज रहे, इट इज़ अ 8 o'clock. अभी 10 बज रहे, इट इज़ अ 10 o'clock. अभी 12 बज रहे, इट इज़ अ 12 o'clock. ओके, अभी गर्मी हो रही है, इट इज़ अ वार्मिंग. गर्मी होती है ना, उसे वार्म कहेंगे, वार्म, WARM. यस, WARM या WORM कुछ है, कभी कन्फ्यूज होता है. तो वार्म इज गर्मी, वार्म इज गर्मी, इट इज़ अ वार्मिंग. अभी गर्मी हो रही है. अभी सर्दी हो रही है, इट इज़ अ कूलिंग. ओके, और अभी बारिश हो रही है, इट इज़ अ रेनिंग. यस, ऐसे यूज करेंगे. तो यहाँ पर क्या लिखा है? इट इज़ अबाउट 2 o'clock. अभी तकरीबन
दो बज रहे हैं, अभी अंदाजन को कैसे यूज करेंगे? यस आई एम टीचिंग अबाउट वन आवर, वन आवर आई एम टीचिंग अबाउट वन आवर, मैं अंदाजन एक घंटे से पढ़ा रहा हूँ, अंदाजन। यस अभी देखते हैं के बारे में कैसे यूज करेंगे। आई एम नरेटिंग अबाउट अबाउट थीफ, नरेट मीन्स सच्चाई बयान करना, हकीकत बयान करना, हकीकत बयान करना। आई एम नरेटिंग अबाउट थीफ, मैं चोर के बारे में हकीकत बयान कर रहा हूँ। ओके अभी देखेंगे इधर उधर कैसे यूज करते हैं। आई वॉज फॉलोइंग अबाउट टू कैच अ रॉबर, रॉबर रॉबर मीन्स डाकू। ओके फॉलोइंग पीछा करना, पकड़ने जाना किसी को, फॉलोइंग यस किसी पीछा करना, किसी पीछे दौड़ना, यस ओके फॉलोइंग। आई एम फॉलोइंग मैं पीछा कर रहा हूँ इधर उधर पकड़ने के लिए डाकू को, मैं डाकू को पकड़ने के लिए इधर उधर पीछा कर रहा था, पीछा कर रहा था। ये हमारी आज की पढ़ाई हुई, हम क्या हमारी आज की स्टडी हुई, इसके बारे में व्हाट्स योर ओपिनियन प्लीज़ राइट इन द कमेंट्स बॉक्स एंड ऑलवेज वॉच द SBS स्पोकन इंग्लिश बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ द बिगेस्ट गो डाउन ऑफ द नॉलेज ऑफ इंग्लिश। ओके ऑलवेज वॉच एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू दिस सर इन योर सप्लिकेशंस इन योर प्रेयर्स। यस प्रे फॉर मी एंड रिमेंबर्स इन द सप्लिकेशंस। Understanding. Okay, and watch always. Okay. Assalamu alaikum. See you again.